हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपने स्टाइल में। थोड़ा कंफ्यूज है, जी हाँ, हमारे चैनल का नाम ही है अपने स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास है Redmi का Fire TV जो कि आता है 32 इंचेस में और इसमें आपको मिलता है Amazon का Fire OS 7। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं इसके कुछ फीचर्स और फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ऊपर हमको मिलता है ये, आपको टेबल के स्टैंड्स मिल जाते हैं अपने साइड में। ये आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, यूजर मैनुअल और इसका रिमोट, इंस्टॉलेशन गाइड और यूजर मैनुअल, ये इसका रिमोट मिल जाता है आपको। तो चलिए अब हम निकालते हैं टीवी को। एज यूजुअल बहुत अच्छा पैकिंग आपको मिलता है। Let me quickly peel this off as well. चलिए इसकी फिल्म भी पील ऑफ कर देते हैं। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन स्टैंड की है और सेम तरीके से हम दूसरा स्टैंड बिठा लेंगे इसका। कुछ ऐसा रिमोट आपको देखने को मिलता है इसका। इधर में आपको पावर बटन मिल जाता है, यहां पे आपको मिल जाता है एलेक्सा का बटन, यहां पे प्रीवियस, प्ले, पॉज एंड नेक्स्ट का बटन, यहाँ पे आपको मेन्यू बटन मिल जाता है नेविगेशन के लिए, यहाँ पे आपको बैक बटन मिल जाता है, ये होम बटन हो गया इसका, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड चैनल्स के लिए मिल जाता है, म्यूट एंड गाइड, और डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाता है यहाँ पे प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन म्यूजिक एंड एप्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा स्लीक रिमोट आपको देखने को मिलता है इसका। नाउ लेट्स चेक आउट सम की स्पेसिफिकेशन। डिस्प्ले की बात करें तो हमको इसमें 32 इंच का LED HD रेडी डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट मिलता है हमको 60 हर्ट्ज का, और एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम मेटल बेजललेस डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है इसमें। ऑडियो की बात करें तो हमको इसमें 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं विथ सपोर्ट्स डॉल्बी ऑडियो, DTS HD, DTS वर्चुअल एक्स। सॉफ्टवेयर में हमको इसमें फायर OS का लेटेस्ट वर्जन 7 मिल जाता है। कनेक्टिविटी में आपको इसमें एयरप्ले, मीरा कास्ट, 12 बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 मिलता है। हार्डवेयर के बारे में बात करें तो इसमें हमको क्वाड कोर कॉर्टेक्स A CPU मिलता है और माली G31 MP2 GPU देखने को मिलता है विद 1 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ स्टोरेज। अब अगर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, ईयरफोन का पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑडियो वीडियो का इनपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं विद 1 ARC सपोर्ट, नेटवर्क का यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है और इंटरनेट का पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। तो चलिए, हमने टीवी को अब सेटअप कर लिया है, स्टैंड हमने इसमें लगा दिए हैं, आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं और स्टैंड के साथ भी टेबल टॉप पे भी काफी अच्छा दिखता है, ये बिल्कुल ही स्लीक बेजल्स हैं इसके। तो चलिए क्विकली सेटअप करते हैं। So it's asking me to select the language, English, continue. So now it says default picture mode in your TV is at optimal setting to save energy. Would you like to change the picture mode setting for better picture quality? This setting will increase the power consumption. So I'm just going to hit yes to check what settings we have.
नाउ इट इज सर्चिंग विद द नेटवर्क। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें दोनों ही वाईफाई के बैंड सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। नाउ इट्स कनेक्टिंग टू नेटवर्क, कनेक्शन सक्सेसफुल, चेकिंग फॉर अपडेट्स, डाउनलोडिंग दिस सॉफ्टवेयर। Now it is updating the firmware. Please do not unplug the power cable during the update. The update will take some time, so you have to be patient to get this TV updated or the firmware or the OS updated to the latest version. So it is now updated, booting up, loading of the OS started, checking for updates again. Now again downloading the latest software. So during the initial setup, it will restart almost 3 to 4 times to get the software updated to the latest version and the firmware as well. Now it says finishing updates. Now it is asking you to sign in with your Amazon account. If you have one, you can sign in directly. If not, you have to create one. So I already have an account. So let me just quickly sign into the account. I hit OK. Now you have two options. Either you can use your mobile or laptop to sign into the TV, or you can directly scan the QR code. So I am going to scan the QR code using my mobile phone. Open link, hit continue. Your registration is now successful. So now it says successfully registered. Your MiTV with Fire TV built in. Hit continue. Privacy policy, I agree to this. Now it is checking for backups. Optimizing. I believe it should be optimizing the screen for low power consumption. So as soon as you add this TV to your subscribe program of Prime Video, you just need to hit back button and then hit continue, and then it will ask you to choose the apps or if you want to download the apps. So I'm gonna click on this choose apps button. From here, from on this screen, you can download the apps you want. So whatever apps you want, you can tick them and it will start downloading those apps. You even got the Apple TV here, Apple TV app. Now all the apps that I have selected, it is showing here. Now I'm gonna hit finish button. Manage and monitor your data consumption on TV. I'll set up it later. No parental controls. Now it says welcome to Fire TV. I hit OK. Boom. Now you can start your TV. Now when I click on YouTube, it says download. You own it. I click on download button. It will take some time to download it, because it is already queued. It might be downloading the other apps as well in the background. Now it is downloading. So it is the on screen instruction given. There are several ways to open your apps. From the app section in the main menu, by holding the home button on the remote and selecting apps to see all your apps, with the voice remote, open Netflix. You have got three options to open the apps. So I'm gonna open YouTube. And let's check out its audio and video quality. We'll be right back.
तो दोस्तों ये था कंप्लीट सेटअप Redmi 5 टीवी का, उसके कंप्लीट रिव्यू के साथ जो देखा आपने अपने चैनल पर अपने स्टाइल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। स्टे ट्यून, पीस।